ब्रेकपर स्वागत प्रकाश पाई चलित बर्षर मैट्रिक परीक्षा फल और रेजल्ट 90.55% रही निश्चय समस्त उत्साहित और खुशी दौर अंपटे जमी पूर्व कहती कि छात्र छात्री आशंकर रही थे कि चलित बर्ष कौन हे परीक्षा फल ताकू अनेक द्वंद्व रही है और जितेबाला फल प्रकाशित हो सारी आशा अनुजाई छात्र छात्री मार्क पाँच स्वाभाविक भाव में मनु द्वंद हटि जाऊँच तेज परीक्षा फल को किभली भाव में देखा किभली विश्लेषण करें अधिक आलोचना करवा प्रफेसर आर एन पंडा आम सहित रोचान शिक्षाविद प्रोफेसर पंडा आपको स्वागत करुच फलाफल को किभली भाव में विश्लेषण करेंगे समस्त को नमस्कार देखते ये परीक्षा फल बाहरी ये स्वागत करवा कहीं परीक्षा फल के आज अफलाइन परीक्षा अफलाइन परीक्षा पर 90.55% हवा यहाँ गोटे बहुत आनंद विषय छात्र छात्री गुरुमा गुरुजी अभिभावक आम समस्त यार कृतज्ञता ज्ञापन जो गुरुमा गुरुजी मैंने परिश्रम करी तंको स्कूल पे कृतकार्य कर बोर्ड कर्तृपक्ष भी जो नूतन धारा परीक्षार इंट्रोड्यूस कले हूँ बहुत बड़ कथा आगे कौन होता पूरा आम सब मार्क परीक्षा वर्ष शेष एणु छात्र छात्री मान लिखुले परीक्षार परीक्षा दे पार नई जो परीक्षा पद्धति परिवर्तन करागला फॉर्मेटिव वन फॉर्मेटिव टू सबमिटिव वन हला तापरे पिला माने बारम बहुत गुड परीक्षा दबार सुजोग पाइले जदिओ 100 दिन रो क्लास हेइची किंतु सही 100 दिन रो क्लास फलवती हेइची बोली आमे कहिबा आउ ठीक समय रे आपण मानको भी कृतज्ञता ज्ञापन करबि आपण माने गणमाध्यम भी बहुत सजाग रहिले सबु बळे आपण ताहाकु सचेतन करसुविधा जगे भी आर सामग्रिक प्रभाव एणु एटा गोटे बड़ जिनस जो स्कूल मास एजुकेशन अच्छा गोटे विनीत रने किटा पद्धति जदि परिवर्तन करिवे आम निश्चित भाव सीबीएसई बोर्ड सहित समकक्ष आम पिला माने बाहर देखते बीबी बाबू एवं तो रिजल्ट बाहर वर्तमान पिला माने निश्चित आकर्षित हे आम ओडिया मीडियम स्कूल को आकर्षित हबे सर मोर आउ एक प्रश्न रहिबो आमे गुटे भिन्न परिस्थिति रे वर्तमान विकल्प पंथा अपनाइले बा पिला वर्ष सारा परीक्षा देबे से भितर तांकर उन्नत मानर फल को आमे प्रकाशित करबा एई व्यवस्था को आसिले एई व्यवस्था को आपण केमिति देखुचंती जदि सबु किछि स्वाभाविक होइ जाय ठीक होइ जाय ताहेले भी एई व्यवस्था सहित आमे रहिबा कथा कि निश्चित भाबरे रहिबा एई व्यवस्था देखंतु आमे कौन गोटे परीक्षा वर्ष शेष सही परीक्षा जदि छात्र छात्री खराब करदेला तार पूरा वर्ष पूरा परिश्रम जाऊला कैरियर टा तार नष्ट हो जाऊला किंतु एई जो आमे बारंबार परीक्षा करने द्वारा त्रैमासिक परीक्षा करने द्वारा फॉर्मेटिव वन फॉर्मेटिव कले समेटिव वन कले तार 20% मार्क आम ने ओएमआर सीट जो परीक्षा टा हेला ए जो 70 मार्क 80 मार्क जो परीक्षा हेला पचरे समेटिव टू बल को सेतबेले कोन हिची 50 मार्क ओएमआर रे हिची आउ 30 मार्क केवल सब्जेक्टिव हिची सही सब्जेक्टिव रे फेरे स्मार्ट क्वेश्चन वेरी स्मॉल क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एमिति सब क्वेश्चंस रहिला आउ गोटे जिनस हिची जे 70 भाग सिलेबस रे पिला माने परीक्षा दैचंती किंतु वर्तमान जदा स्वाभाविक अवस्था फेरिबो 100 भाग सिलेबस त परीक्षा हबो किंतु आउ टिके जदि आमर गुरुमा गुरुजी माने जे स्कूल रे रहिछंती से मानक उत्तर दायित्व आउ टिके जदि बढी जीवो ना आमे निश्चित भाबर पिला माने आकर्षित होवे आम ओडिसा बोर्ड पिला को पाठ पढिया पे आज्ञा फलाफल मध्ये आउरी उन्नत होई पारिबो मु परवर्ती समय रे पुनि थरे फेरुची आपनको पाकु शिक्षाविद निरंजन पंडा मध्ये लगातार भाबर आम सहित अछंती सर आपनको शेष प्रतिक्रिया नबा पई चाहिबी जे माने कृतकार्य होइछंती तांको भविष्य योजना किभलि करिवे जे माने कृतकार्य होई नाहंती से मानको कोन कहिबे देखंतु सबटु आनंद विषय जे बोर्ड कर्तृपक्ष बहु प्रचेषा कर नूतन पद्धति मान सृष्टि कर जो रिजल्ट प्रकाश कले से समस्त को धन्यवाद आपण गणमाध्यम जो मैंने सहयोग कर समस्त को धन्यवाद विशेषकर प्रत्युष दास जो यूनिट 8 शिशु मंदिर जी कि आम बासस्थल अति निकटतर सी ताकू मु अशेष धन्यवाद दौची
कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची एवं से स्कूल समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची कारण अतीतरे जो ब्रह्मपुर नीलकंठ नगर स्कूल देखेले सेटा थला बेस्ट स्कूल इन ओडिशा कहले अत्युक्ति हम ना से सबुठ बेसी पिला भल रिजल्ट करुले ता सहित ता देखि बर्तमान यूनिट एट्र जो अच्छी आमर शिशु मंदिर ताम भुवनेश्वर थोड़ा एक नीलकंठ नगर पखापाखी अंचल अवस्थित तेणु से स्कूल समस्त कर्तृपक्ष पाँच साधुवाद जनाऊँ भविष्य से मंगल कामना करो मैंने विफलता हासिल करते आदौ चिंतित हवा कथा नुहे कारण अतीत को देखिकी से भविष्य को निर्माण करे भविष्य से मैंने जदि टे मनोध्यान दे शिक्षा अध्ययन करती विशेषकर स्कूल को जाती निश्चय से मानकर फल यहीपर एति समस्त धन्यवाद दे मोर वक्तव्य सांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आम सहित दीर्घ समय धरी रहिले एवं विभिन्न दिगकु नै आलोचना कले छात्र छात्री अभिभावक समस्त अनेक साहस भविष्य पाई किभली से माने योजना करने कथा से दिगरे परामर्श देती आपन को अशेष अशेष धन्यवाद। प्रोफेसर आर एन पंडा गोटे प्रकार गोटे चर्चा होउची मने होउची कि बोर चाहूँ छात्र छात्री केमिति अधिकरु अधिक मार्क पातु यह केते दूर ठीक सर छात्र छात्री भविष्य निर्माण पाई ग्रहण करी परी भी बोर्ड चाहूनी आमे समस्ते चाहूचे तो जन 47 वर्ष अध्यापना परे आज भी कहूची जेते बले छात्र छात्री माने भलो करी दियंती माने बहुत भलो करी दियंती आमको भावे आमे परीक्षा दीथिलु पास करथिलु काली राती रे कैलिफोर्निया रे राती 12टा रे गोटे झियो डॉक्टर अमृता पत्ती जे वर्तमान वर्ल्ड रो गोटे बडो इंस्टिट्यूट रे काम करछंती मेडिसिन रो झील फोन करते मत का राति पाठ पढ़े 1994 रे पाठ पढ़े थे फास्ट है परीक्षा देखिए पास करतृपक्ष कौन कर गोटे जिनस भल हो अनुपम शाह अच्छा सेक्रेटरी डायरेक्टर ओसेपा सी डायरेक्टली इनवल्व है बोर्ड सहित से बोर्ड रुड़ा वर्कशप कले ये परीक्षा केमती हम परीक्षा पद्धति केमती हम माधर बाबू अच्छा तेणु ये सब जगह सामग्रिक जिनस देखु सीबीएसई रे कौन हुए कि गोटे स्कूल रु 100% पिला बहुत पाए जाती से मीडियम पिला 72% हेला बेलू बापा मा मान गोटे विश्वास त्रुटि जाए बोर्ड एणु ये प्रकार पद्धति करागला से तीस परसेंट मार्क जाऊ स्कूल आमर भी 20% मार्क खंडे स्कूल रु गला आब परीक्षा बारंबार करागला शिक्षा विभाग कहतु मंत्री कहतु बारंबार भी तागिद कर आग्रह नहीं एणु भल होती कहानी जे बोर्ड कर्तृपक्ष चेष्टा कर रिजल्ट को भल कर गुरुमा गुरुजी माने भी बहुत काम कर 100 दिन क्लास होती आम तो आप चैनल रे बहुत थर डिस्कस कर विषय रिविजन गोटे पुस्तिका दि जा पा हे तो यह जो जो पाठ पढ़ा जा जो जो पुस्तिकार प्रश्न दि जाए प्रश्न पड़ी थी पारे पे आभुको आगे बड़ कथा जे 30 मार्क केवल पिला सब्जेक्टिव आगे कौन होता पूरा 100 मार्क पिला परीक्षा दौले एणु जो करेक्शन होता प्रॉब्लम होता वर्तमान जो क्वेश्चन प्रोसेस टा अलग एणु रिजल्ट भल होती आर थर आप प्रश्न करते स्वाभाविक है तो आज्ञा उद्यम करने को पड़ो बोर्ड कर्तृपक्ष उद्यम कर स्कूल एंड मास एजुकेशन जो जमी उद्यम करते पड़ो जदि जो प्रकार अटेंशन दिया जाउछि वर्तमान हमर स्कूल मानंकु आउ करा जे परियो ताहले निश्चित भाव हमर रिजल्ट सीबीएसई रे बोल होले हबो। सर मोर आउ एक प्रश्न रहिबो विगत वर्ष मानंकर आमे देखुथिले पूरा कोर्स पिला स्कूल जाउथिले पाठ पढुथिले परीक्षा दउथिले किंतु 2 वर्ष हलाणी गुटे प्रकार अव्यवस्था सृष्टि होईछि एवं चलित वर्ष जे पिला माने परीक्षा दैछन्ति निश्चय से माने 100% सिलेबस पाठ पढि नहंती एमानक भविष्य रे किछि असुविधा हबो कि बा जो 30% 40% माने पाठ पढि नहंती बा शिक्षा पाइ नहंती ताकु आमे केमिति पूरण करि पारिबा। अभिभावक एटा बहुत सुंदर प्रश्न आपे कले एटा तो गुटे निहाति बड़ कथा ते पिला माने संपूर्ण सिलेबस पढ़ी ना गोटे कथा पे जेहेतु 2 वर्ष स्कूल जाती
फंडामेंटल कांसेप्ट पिलांगर क्लियर नथिबो जो विज्ञान विषय कोहंतु आ मैथमेटिक्स रा तो बहुत एप्लीकेशन अमर प्लस 2 रे आसे विज्ञानटा असुविधा होयनी काही कि विज्ञान रा नुवा सिलेबस टाकु इंग्रजी रे पढा जाय आरंभ रु पढा जाय किंतु ओठी कथा हला मैथमेटिक्स आ इंग्लिश एठी पिला माने उड़िया रे पाठ पढी चंती उड़िया रे परीक्षा दे चंती पास करकी कॉलेज को जिबे सेठी इंग्लिश रे पढिबे इंग्लिश रे परीक्षा देबे सेमानकर इंग्लिश ज्ञानटा एते भलो नहई थई पारे जेहेतु दि वर्ष हला स्कूल को सब माने जाई नांती जो प्रश्न आपण कले एटा बहुत सुंदर प्रश्न आपण करचंती आ गोटे कथा हला मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स रा एप्लीकेशन टा पिला माननकर एतेना भलो हेई नथिबो स्कूल रे स्कूल तरफ जो है सामग्री पूरा संपूर्ण जानी नथिबे एनु सेमानकु निश्चित भाबरे प्लस 2 गला पूर्व रु एई जे समयटा बर्तन मिलिबो एडमिशन आगुरु घरे रहिबे अभिभावक माने टी चेष्टा करिवे जो जो पाठ गोडा को से माने पढी नांती 30% सिलेबस छाड़िया जाइथला सेही 30% सिलेबस को पिला माननकु टिके पढेबे आ जो पाठ गोडा को अमर आसीब कॉलेज रा काम रे सेही पाठ गोडा को भी पिला माननकु अभिभावक माने केयर नै सेटा करिवे आज्ञा सर ताले वर्तमान छात्र छात्रिन को दायित्व कोन रहउची जेते बेले दशम पास करी सारी चंती वर्तमान अनेक छात्रन को हाथ रे परसेंटेज अधिका रहउची एडमिशन रे परवर्ती समय रे कोनोसी प्रकार असुविधा हेबो कि कॉलेज मानन करे सीट बेसी हे जिवो छात्रन को संख्या प्रतिशत धारी छात्रन को संख्या अधिक होइ जिवो बा गुडे किछि व्यतिक्रम सृष्टि हेबो कि ए आशंका रहइबो कि एटा तो निहाती सत कथा देखंतु हमरो आमे डिस्कस करथले 3 वर्ष तळे जते बेले एई एनालिसिस रिजल्ट आमे करथले 1600-1700 पिला भितरे आमर थांती ए1 रे एई वर्ष आमर 8119 पिला ए1 रे आछंती अनु निश्चित भाबरे ए1 संख्या बहुत बढीची एई वर्ष सेंती ए2 रे भी 54898 पिला आछंती बहुत संख्या बढीची अनु पास हार बढीची अनु पिला मानन को संख्या बहुत हब किंतु अमर सीट संख्या सही तुलना रे बहुत अछि जति कि पिला पास करू चंती तार डेढ़ गुणा सीट अछि काहे कि सरकारी स्कूल मानन करे जो माने विद्यालय रहि छ अमर क्लास 11 क्लास 12 रहिला सेठी सीट त सफिशिएंट एते नथिबो किंतु बर्तन जब रेसिडेंशियल स्कूल हेइ छि से रेसिडेंशियल स्कूल मानन करे बहुत सीट बहुत रेसिडेंशियल स्कूल हेइ छि आ सही रेसिडेंशियल स्कूल रे वर्तमान कर पिला मानन कर आग्रह भी बढी छि काहे कि त देखंतु एमे वर्तमान ए जो पिला माने क्लास 10 परीक्षा देले हमर त कोनोसी सरकारी विद्यालय रे ताक कथा चिंता करा जाय नि वर्तमान पर्यंत किंतु सब रेसिडेंशियल स्कूल रे से माने अप्रैल मे मासरु जतल परीक्षा सरी छि तांकर संगे संगे से माने तांग पई पाठ पढा आरंभ कर दे छंती अनु कोनोसी ना कोनोसी उपाय रे एई पिला माने से स्कूल मानकर जाई पाठ पढ़ु चंती एबे 2 मास होला से माने पाठ पढ़ु चंती एणु तांगर कम्युनिकेशन स्किल ता से डेवलप कर दीतिबे एणु गत वर्ष आमे देखुतले पिल्ला जर बाहा पास करथिले हमर सीट बहुत थिला बहुत थरा आपन चैनल रे भी मु डिस्कशन करिछि बहुत सीट खाली पड़ी छि बोली कि बाहर थिला आउ थरे एडमिशन पिल्ला मानकु आमे नोटिस बाहर थिला ता बिषय आमे डिस्कस करथिले एणु वर्तमान सीट जति कि अछि पिल्ला जति कि पास करछन्ते सीट बहुत बेसी अछि एणु एडमिशन असुविधा हेबनी किंतु गोटे कथा बिभु बाबू देखंतु जो पिला जो कॉलेज रे पढिया पई चाहिबो सेई त मेरिट अनुसार सिलेक्शन हबो आ सेठी हुए त तार चॉइस इंस्टीट्यूशन से न पाई पारे आज्ञा सर आमे परवर्ती समय आलोचना को आगु बढाइबा किंतु मते निर्देश आउछि समय आउ एक छोटो ब्रेक रो ब्रेक पर स्वागत प्रकाश पाई मैट्रिक फलाफल ताकुने छात्र छात्री अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री उत्साहित अछंती से संपर्क खबर उपर आमे नजर पकाइबा किंतु वर्तमान दृश्य देखिनबा श्रीक्षेत्र रु जेउठी नवदिनात्मक यात्रा रे अछंती महाबाहु एवं फेरिबार समय मध्य धीरे धीरे चली आसुची अर्थात रत्नवेदी को प्रत्यावर्तन करिवे महाप्रभु सेतिपई रथर दक्षिण मोड़ मध्य प्रक्रिया आरंभ होईची अर्थात वर्तमान महाप्रभुंकर प्रत्यावर्तन प्रक्रिया गुटे प्रकार आरंभ होई सारिछि तबे वर्तमान समय अपडेट एवं चित्र जानि नबा आम सहित जोडुछंती आम सीनियर करेस्पोंडेंट अक्षय कुमार मिश्र अक्षय दक्षिण मोड़ पई वर्तमान कोन सब व्यवस्था बा प्रक्रिया चलीछि आज्ञा माळ आसी पहुंचिलाणी कि निश्चित भाव जितेबाला महाप्रभुंकर सकाळ धूप सरला तापर तीन बाड़ पूजा पंडा सांते श्रीमंदिर महा आड़व मंडपुर महाप्रभुंकर आज्ञामाला धरी सीधासख पहुंचे रथ खोला निकट आप देखिपे आज्ञामाला पहुँचा पर यह जो विधि परंपरा रही प्रथम तालज रथ तापर नंदीघोष रथ शेष देवीदेव रथ
आज्ञामाल पहुँचवा पर एटी प्रस्तुति आरंभ होती तीन रथ दक्षिण मोड़ और जहाँ विधि रही प्रथम तालाजु रथ में घंट घंटा बाजिब और विजयकाल बाजिब किंतु रथ टणा दक्षिण मोड़ में केवल देवी सुभद्रा आप देखिपे कि ये हूँ रथ दौड़ी ए दौड़ी सबू संजोग सारी प्रस्तुति सरी निश्चित भाव यदि भई सर्दार मत रवि भई अच्छा यदि पचार तो ये जो आज्ञामाल आसापर आपण मैंने दक्षिण मोड़ भी किभली प्रस्तुत होता कहीं देवी सुभद्रा रथ दक्षिण मोड़े टणा हुए जय जगन्नाथ जमीका आमर प्रथम जमी नेत्र उत्सव दक्षिण मोड़ आसव जमी महाप्रभु सिंहद्वार जमी नंदीघोष रथ लागे सेमती बलभद्र रथ भी सिंहद्वार को जो दिन श्रीगुंडिया जी दिन आसिक श्रीगुंडिया मंदिर सिंहद्वार लगे आज सेमती माँ सुभद्रा रथ आज टणा नाकचण द्वार प्रथम लगे आज आज्ञामाल विजयी सारी विजय काले भी बाजि सारी बड़ ठाकुर रथ में आमर माँ सुभद्रा रथ टणा हाँपी प्रस्तुत रही आमर इन प्रथम माँ जाए सुभद्रा रथ नाकचण द्वार लगीगला तीन जन भाई भौणी कई बड़ नुहति कई सान नुहति एम भितर जनसाधारण को भक्त मानक देखे दौरान आम समस्त सामान आम देखीचे कि ये जो दौड़ी लगी दौड़ी संजोग विधि अलग कारण दक्षिण मोड़ में आगपटे दौड़ी पछपटे दौड़ी दौड़ी लगे कहीं लगे यहाँ लगाई थाए रथर मुह बुलाई आग पछ आगपछी रथ धीरे 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 बुलिक जितने रथ पूरा सीधा आसे आम से समय नहीं नंदी जोटी नहीं कि यथास्थान नहीं रथ गुड़क नहीं रखू तापर जोटा कि बाहुड़ा जात्रा प्रस्तुति कार्य आरंभ है दौड़ी की बंधा जाए कि जन जन भई सेवक धरिकी रख हाँ जितेबले आम निर्देश देव जो दौड़ी खोलतु से दौड़ी खोलें जितेबले कह दौड़ी बांधापे आम भई सेवक मैंने सब यथास्थान नहीं कौटी मोड़े तो कौटी सीधा दौड़ी पड़ा आम रथर दिग देखिकी दौड़ी पकड़ था आप देखु कि दक्षिण मोड़ हूँ स्वतंत्र कारण रथजात्रे सीधा सड़क जाए आप देखुए कि ये जो दौड़ी रही दौड़ी को स्वतंत्र भाव में रखा जाए कला विधि रही तुम तो रथ तत्वधारक अच्छा ये दक्षिण मोड़ टणा टे स्वतंत्र कारण ये सीधा जाए रथ टणा नुह सीधा जीव सीधा ये चारिपट मोड़ खाइब निश्चित भाव में ये बर्तमान सीधा आम चल यापर बर्तमान आम श्रद्धावली पट को मुहावा ये आग पछ हो ये रथ जीव जेहेतु पछुआ बर्तमान ये बर्तमान जीव फेर बर्तमान सेमती पछुआ पछुआ भिड़ा हम तेणुक आगपटे यार किसी कार्य नहीं यार पछपटे कार्य ए मुह जमी आगपटे अच्छी सेमती बुल कर बर्तमान रही रथ मोड़ भी बाली पक निश्चित भाव में आम बाकु से बाकु रथ जमी सुविधा जीव और मोड़ जमी ठीक भाव में नहीं दक्षिण मोड़ में महाप्रभु लगे कार्य निश्चित भाव आप देखू ये हूँ दौड़ी जहाँ को बासुकी कारण ये बासुकी महाप्रभु सेवार दौड़ी भी रही है आप देखुए भई सेवक मैंने दौड़ को संपूर्ण प्रस्तुत करते देखिपे कि संपूर्ण भाव पुलिस पक्ष व्यवस्था होती आप देखिए सीधा सड़क देखो ए दौड़ी को लंबा पर्यंत रखा जाए मोटामोटी भाव कह तेज मोटामोटी भाव दौड़ी प्रस्तुत है रथ चारिपाखे दौड़ी रही दौड़ी देखिपे कि रथ जेहेतु टणा जीव आप देखिए दौड़ी सड़क है जोभली भाव में भक्त मैंने सड़क हमें दौड़ी सड़क है देखिपे पूरा लंबा दौड़ी रही देखिपे ये एवं स्वतंत्र भाव में ब्रेक इंजीनियर रही जो मैंने कि ब्रेक कार्य लगी आपड़ जो ये रथ में ब्रेक जो रही था कि भाव आप इंजीन रही कि भाव ब्रेक संचालन होता है ब्रेक जो महाप्रभु जगन्नाथ सुभद्रा बड़ ठाकुर जो ब्रेक जो ब्रेक को संचालन करा आम 1996 मसीह प्रचलित होती इंजीनियर मध्यम यह आम जो आम सिंहद्वार पाख रथ ओ दक्षिण मोड़ जो रथयात्रा दिन बाहुड़ा दिन ब्रेक समस्या कारण आगू जी पचुक आस ब्रेक पड़ा समस्या था ब्रेक में बहुत समस्या था जगि रखी भई सेवायत मानक मुख्य ये आमको से सेवे किसी नियोजित होती आम निजी धन्य मन कर ब्रेक गोटे बृहत बड़ जगन्नाथ रथर गोटे मुख्य अंग देखु कि स्वतंत्र भाव में ब्रेक रही कारण जिते बड़े रथ मोड़ खाइब अर्थात देखते एपटे जो भाव चारोटी दौड़ी पछपटे चारोटी दौड़ी और देखिपे कि एपटे भिड़ाई जीव पुणी टर्णिंग खाइब अर्थात ये पूरा भिड़ाई एक धार में बड़संघ पर्यटन जीव और बड़संघ पाखे चतुर्पा सब बुल कार्तिक अच्छी कार्तिक कह सब कष्ट था ये दक्षिण मोड़ा कारण आपको नाकेदम हो पड़े रथ को मोड़ देखा भारी कष्ट हाँ निश्चय निश्चय माँ का रथ आगे दक्षिण मोड़ कराए बड़ ठाकुर रथ तापर जगन्नाथ रथ रथ दस थर कि आठ थर आग पछ भिड़ा हेले दौड़ी बड़ी बदली बदलिकी तापर आमर रथ बुले यही प्रकार आमर बहु कष्ट अनुभव करिया गोटे रथ को मोड़ दवा भी केते समय लगे मिनिमम दि घंटा टू देढ़ घंटा भितर लगे गोटे रथ समय बुलला बेलू दुटा बाजिगला रथ टणा आरंभ हम तो दक्षिण मोड़ हम तो तीन रथ मोड़ हेल्ला आज सन्दे रात तीन रथ संभव लगुनि जदि माँ को इच्छा हम प्रभुं इच्छा हम
ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବୁଲିଯିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତିନିଟା ଯାକ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଦୁଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ମା ଗୋଟେ ପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ରଥ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଦେବୀ ଦୋଳ ରଥ ଯାହା ବିଧି ରହିଛି କି ଯେଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ କି ତିନି ରଥ ସବୁବେଳେ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଯାଏ ରଥ ଖୋଳାରୁ ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଟଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବା ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ତାଳଦେ ରଥକୁ ବା ବଳଭଦ୍ର ରଥ ଟଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦେବୀ ଦୋଳ ରଥ, ତାକୁ ଟଣାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘଣ୍ଟୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି, ଡାହୁକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘଣ୍ଟ ନାଦ ଏବଂ ଡାହୁକଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତିନି ଏଇ ରଥଗୁଡ଼ିକ ମୋଡ଼ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ମୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟେକ୍ନିକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭୋଇମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫାଳିଆ ରଖିଥାନ୍ତି ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ବଡ଼ସଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଇକ୍ ଫ୍ରି ଅଞ୍ଚଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଭିତ୍ତିକ ଅନୁମତି ନାହିଁ କେବଳ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଏ ରଥକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଟାଣିକି ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସମର୍ପଣ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାମାଳା ବିଜେ ହେଲା ତାପରେ 25 ରଥ ନିର୍ମାଣ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 35 ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଆକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ଥିଲା, ଭକ୍ତ ନଥିଲେ, କେବଳ ପୋଲିସ ଥିଲେ, ସେବାୟତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠାରୁ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି ରଥ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରଥ ଟାଣିବେ ଏବଂ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଲେଣି କି ଟାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାହା ବିଧି ରହିଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାମଳ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରାଗଲା କି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ଥିଲା, ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଟେରା ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦାପନା ମଣହି କରାଗଲା ତାପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା ତାପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସେହି ସମୟରେ ରାଗ ଯୋଜିତ ହୋଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହିପଟେ ଆସିଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାହା ବିଧି ପରମ୍ପରା କୁହାଯାଏ କି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ପକାଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି କି କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବାହୁଡ଼ାକୁ ଯିବି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କ ସେବକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଏବଂ ବିଲକୁଲ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଅକ୍ଷୟ, ଏଇଠି ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା।